दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में सीआईबी झांसी और महोबा आरपीएफ टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। रेलवे टिकट बुकिंग में किए जाने फर्जीवाड़े का दोनों टीमों ने मिलकर भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों पर कार्रवाई के चलते टिकट बुकिंग करने वालों के बीच हड़कंप मच गया। महोबा आरपीएफ और सीआईबी झांसी द्वारा चलाए गए अभियान को बड़ी सफलता मिली है। टिकट बुकिंग के नाम पर राजस्व चोरी करने के मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एमपी के नौगांव से पकड़कर लाए दोनों युवकों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल करने की बात कही है। महोबा से मोहम्मद आजाद चौधरी की रिपोर्ट। ये नौगांव जिला छतरपुर से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। रेलवे बोर्ड नई दिल्ली और उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज होली के मद्देनजर चलते हुए IRCTC के जो एजेंट है वो अपनी एजेंट आईडी पे टिकट ना बनाकर पर्सनल यूजर आईडी पे टिकट बनाकर यात्रियों से अधिक पैसा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि रेलवे को नुकसान होता है। अधिकृत जो एजेंट आईडी होती है उन पे टिकट की बिक्री ना करके ये अपने फायदे के लिए पर्सनल यूजर आईडी पे बिक्री करते हैं। तो इसी चेकिंग में सीआईबी झांसी और आरपीएफ पोस्ट महोबा द्वारा ज्वाइंट चेकिंग किया गया तो ये दो लोग मिले हैं जिनके पास एजेंट आईडी तो है लेकिन अपने एजेंट आईडी पर न करके पर्सनल यूजर आईडी पर टिकट बनाते हैं। तो इसी अपराध में रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत इनको अरेस्ट किया गया। नहीं, परिक्षेत्र वाला डिटेक्टिव इन सीआईबी जो झांसी है उसका पूरा झांसी डिवीजन परिक्षेत्र पड़ता है। हाँ, खजुराहो के उसमें आता है। खजुराहो में भी नौगांवा से अरेस्ट किया गया। खजुराहो में भी दो केस बन रहे हैं और छतरपुर में अभी हम चेक करके आ रहे हैं, वहाँ कुछ लोग सही पाए गए तो उनको छोड़ दिया गया। जो लोग फॉल्ट पाए जाते हैं जो कि अपने पर्सनल यूजर आईडी पे बनाते हैं ना कि एजेंट पे, एजेंट आईडी होते हुए एजेंट पे टिकट नहीं बनाते तो ये फिर उसमें रेलवे अधिनियम के दायरे में आता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।